भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अब्दुल्ला। ये कैसे देखते हैं 24 में इस बार प्रधानमंत्री कौन बने? नहीं, जो तो काम अच्छा कर रहे हैं मोदी, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, मगर विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता है, हल्ला बोल करता है, आप देखते होंगे। बस थोड़ा सा उसमें दिक्कत दे रहे हैं, महंगाई में। और जी बाकी सब बढ़िया, बाकी सब ठीक ठाक है। चलिए, क्या नाम है आपका चाचा? मेरा नाम अशरफ जी। क्या कहेंगे 24 में किसको देखते हैं प्रधानमंत्री, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। अखिलेश जी को कैसे देखते हैं? बस अखिलेश तो जो कर रहा वो कर ही रहा, वो तो सबको पता है। पहले कैसे सरकार चलती थी अखिलेश जी की? अखिलेश जी की सरकार में तो बहुत परेशानियां थी। और योगी जी की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, पहले से सुकून है। ये लड़ाई दंगेबाजी खत्म है, और उससे भी मतलब अच्छी बातें हैं, कुछ समझने वाले समझेंगे जी। शुक्रिया। कुछ और व्यक्ति उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सजाउद्दीन जी। क्या देखते हैं इस बार 24 के अंदर किसको देखते हैं प्रधानमंत्री कौन? हम मोदी जी को। अभी देखते हो विपक्ष लगातार इकट्ठा हो रहा है, गठबंधन कर रहा है, कि इस बार बता रहे हैं कि देश बचाओ मोदी हटाओ। देश तो बच ही रहा जब से मोदी बैठा। जी, क्या का नाम है आपका? जी, मोहम्मद फिरोज। जी, कैसे देखते हैं 24 के चुनाव को इस बार? बहुत अच्छे होने चाहिए, जैसे पहले के चल रहे हैं उससे भी अच्छे होने चाहिए अब के। और जिस हिसाब से हर चीज़ की सुविधा करी जा रही है इंसान के लिए, ऐसी ही सुविधा जो रही तो हर बार मोदी जी को ही वोट जाएगी। सारों भाइयों की मोदी जी को ही मिलेगी वोट। हैट्रिक इस बार, हैट्रिक फिर हैट्रिक दोबारा। कितनी विपक्ष बड़ा मजबूती से खड़ा है इस बार। हाँ, इसीलिए तो विपक्ष की बात कर रहा हूँ। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा, विपक्ष तो एक अफवाह फैलाने के लिए। तो क्या भाई साहब, कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा विपक्ष? भाई सवाल तो जी, क्या नाम है आपका? 24 की चुनाव की बात चल रही है, 24 में किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? देखो जी, प्रधानमंत्री देखने की तो ऐसी बात है, प्रधानमंत्री हम उसे ही चुनेंगे जो हमारे कार्य कर रहा है, जो हमें सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है, जो मतलब एरियो को ऊंचाइयों पर बुलंदियों पर ले जा रहा है, कार्य करता अच्छा कर रहा है, तो उसी को मैं बोला प्रधानमंत्री। मोदी जी की तमाम विकास योजनाओं की बातें होती है, मोदी अच्छा काम नहीं कर पा रहे 9 सालों में? नहीं, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, तमाम हाईवे बनवा दिए, मोदी जी ने इतना पैसा कमाया, इतना तो कोई भी नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा। विपक्ष तो आरोप लगाता है कि विदेशों में घूमते हैं, महंगे महंगे सूट पहनते हैं। क्यों ना घूमे, सब देशों से बढ़िया बात बना रखी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हो रही हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातें हो रही हैं, कि पूरे देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, चाहे कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो। मोदी जी ने, योगी जी ने तो नहीं कहा? अरे मोदी जी ने ही कहा है, आपने कल का वाक्य नहीं सुना? क्या कहा? पूरे देश के अंदर एक कानून होना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे कोई भी जाति हो, पूरे देश के अंदर एक कानून चलेगा। चलो देखेंगे, वो भी इसमें भी करेंगे विचार। कैसे देखते हैं भैया, क्या नाम है आपका? क्या कुछ कहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, पूरे देश के अंदर एक कानून होगा। हाँ, ये बता के भैया, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो, मैं तो सब पे कायम है। कैसा रहेगा कानून, सही रहेगा आपकी नजरों में? सही रहेगा। चलिए, और भी कुछ युवाओं से बातचीत करने की कोशिश करें। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद आसिफ। अब 2024 में किसको देखते हैं प्रधानमंत्री कौन बने? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बनेंगे, चल पाएगा मोदी जी? मोदी जी बनेंगे। गठबंधन की तैयारियां हो रही हैं, आप देखते हो मजबूती से आ रहा है गठबंधन मैदान में? बस कोई भी आए, मोदी जी आएगा जी। मोदी आएंगे।